नमस्कार, मैं नीतु स्वागत करती हूँ आपका सीएफआई समाचार में। तो नजर डालते हैं आज के कुछ टॉप 10 हेडलाइंस पर। सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह दिल्ली स्थित 30 गुंज गुरुद्वारा पहुँचे। यहाँ उन्होंने प्रार्थना की। प्रधानमंत्री यहाँ बिना किसी सुरक्षा रूट और स्पेशल सुरक्षा व्यवस्था के पहुँचे थे। इससे पहले कई मौके पर प्रधानमंत्री गुरुद्वारे में मत्था टेकने पहुँचे हैं। राजस्थान में कोरोना संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए राजस्थान में इसका समय बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया गया है। इसके साथ ही नियमों को और भी सख्त कर दिया गया है। पीएनबी घोटाला का मुख्य आरोपी और भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने अब ब्रिटेन के हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। प्रयत्नपन रोकने के लिए उसने हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। प्रख्यात सितार वादक पंडित देवव्रत चौधरी का कोविड संबंधी जटिलताओं के कारण शनिवार को दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। उनके बेटे प्रतीक चौधरी ने ये जानकारी दी। वह 85 वर्ष के थे। गुजरात में कोविड अस्पताल में आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से 18 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई। ये घटना रात करीब 12 बजे घटी। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने घटना को लेकर दुख जताया। जापान के पूर्वोत्तर तट पर शनिवार को 6.8 तीव्रता का भूकंप आया। हालांकि सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई थी। शनिवार के भूकंप से कम 3 लोग घायल हो गए। कोरोना महामारी की वजह से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व लद्दाख में दबे पांव एक बार फिर से अपनी पोजीशन भी मजबूत कर रहा है। जानकारी मिली है कि पूर्व लद्दाख में चीनी सेना ने अपनी उपस्थिति एक बार फिर से मजबूत कर ली है। अफगानिस्तान में एक अतिथि गृह में एक आत्मघाती ट्रक बम विस्फोट में 21 लोग मारे गए और 90 अन्य लोग घायल हो गए। देश के लोगार प्रांत की राजधानी पुले आलम में शुक्रवार देर रात हुए इस हमले की किसी ने तत्काल जिम्मेदारी नहीं ली है। देश में फैली कोरोना महामारी की वजह से जहां हर तरफ से बुरी खबरें सुनने को मिल रही है, वहीं इसी बीच टीवी के फेमस एक्टर मोहित मलिक और अदिति के घर 11 साल बाद खुशियों ने दस्तक दी है। हाल ही में दोनों एक बेटे के माता पिता बने हैं। अभिनेता विक्रमजीत करमपाल का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने अभिनेता के निधन पर शोक व्यक्त किया। जी हाँ, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।